this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so very good evening guys स्वागत करता हूँ आप सभी जो हमने आपको कल परफॉर्म किया फिर मैं आपको बता दूंगा तो स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ उन्होंने कैसा किया तो चलिए शुरू करते हैं आरती इंडस्ट्रीज से इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो आरती इंडस्ट्रीज में आज हमारा जो रिजल्ट था वो खास अच्छा नहीं रहा पहले शुरुआत में यहाँ पे हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का पहले एसएल हिट हुआ उसके बाद हमारा बाय साइड का भी हमारा एसएल हिट हुआ कारण तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें हमारा जो है फर्स्ट में ये फ्लैट मार्केट पे चल रहा था एट दी एंड जब इसने बाइक की कॉल पकड़ी दोबारा से तो इसने आपके जो थे तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव करके दे दिए थे बट फर्स्ट में इसने दो एस एल हिट किया था इसे मैं नहीं मान रहा हूँ इसमें आपका जो है अच्छा खासा रिकवर हो गया होगा मैं ये नहीं कह सकता प्रॉफिट हुआ होगा बट रिकवर जरूर हो गया होगा अगर आपने ट्रेड किया होगा अगला स्टॉक था हमारा पी वी आर पी वी आर की मैं बात करूँ पी वी आर मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था लगभग लगभग इस लेवल पे यहाँ पे हमने आपको इसे बाय करने के लिए बोला था अगर आप मैं मार्क कर देता हूँ इस लेवल पे हमने आपको इसको बाय करने के लिए बोला था यानी कि थर्टी सेवन पे इलेवन हंड्रेड थर्टी सेवन पे यहाँ पर गया इसने डाउन आया बट हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था इस लेवल पे तो यहाँ पे इसने जो है अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया हल्का ऊपर गया ज़्यादा ऊपर नहीं गया इसने आपका जो हाई बनाया वो बनाया 1150 का यानी कि दो टारगेट पास बाई साइड के इसमें जो थे अचीव हो गए थे वो पर होल्ड लेने के बाद तो होल्ड लेने से पहले का मैं कोई आइडिया आपको नहीं दे सकता शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करूं शॉर्ट सेल हमने आपको करने के लिए बोला था ट्वेंटी फाइव पर यानी कि यहाँ पे इस रेंज में और आपका जो फर्स्ट टारगेट प्राइस था इसमें भी अचीव हो गया था अब आपने रूल फॉलो किया होगा कि फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करने वाला तो वो आपको यहाँ पर फायदेमंद रहा होगा देखिए ऐसा नहीं होता है हर बार स्टॉक अच्छा जो है रिजल्ट नहीं दे पाता है हालांकि हमारे फोर हंड्रेड सेवन हंड्रेड के रेंज में काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट आए बट जो बड़े स्टॉक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उनमें खास रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल पाया होता है भी हर बार स्टॉक जो है ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करते इनफी की मैं बात कर लेता हूं इन्फी की अगर मैं बात करूं तो इन्फी मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड किया था इनफी को इन्फी में हमारा जो था यहां पे हिट हुआ दोनों साइड साइड के बाई और शॉर्ट सेलिंग साइड अगेन जब इसने अपना कॉल पकड़ा तो साइड का जैसा मैं हमेशा कहता हूं जितनी बार आपका लेवल तो उतनी बार आप बाय कर सकते हैं यहां पर साइड का लेवल दोबारा पकड़ा और हमारे जो थे दो टारगेट प्राइस इजिल अचीव कर लिए थे अगले स्टॉक तो हमारा एच सी एल टैक एच सी एल टैक में देखिए जो मैंने आपको रूल बताया था शॉर्ट सेलिंग के लेवल का जो यानी कि अगर आपको मैंने इस चीज़ का स्टॉप लॉस यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने इस स्टॉक का स्टॉप लॉस आपको दिया था थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव तो का यानी कि थाउजेंड थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव का मैंने इसका स्टॉप लॉस दिया था तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये लेवल ब्रेक होने पे यानी कि थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव जीरो पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो अगर आपने ये चीज़ फॉलो की होगी तो आपका यहाँ पे हिट श्ट नहीं हुआ होगा अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं की होगी तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो जो रूल्स मैं बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग चलने से आपने यहाँ पे बच गया होगा आपके बाई साइड के तीनों टारगेट दो टारगेट प्राइस तो आपको इजिली यहाँ पे अचीव होकर मिली गए होंगे तीसरा टारगेट प्राइस हमारा यहाँ पे अचीव नहीं हो पाया पर दो टारगेट प्राइस आपको अचीव होकर मिल गए थे अब बात कर लेते फोर हंड्रेड टू सेवन की रेंज में स्टॉक जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में सबसे पहला था हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील जिसे हमें बाय करके चलना था लगभग लगभग फाइव फाइव पे फाइव हंड्रेड यानी कि इस लेवल पे हमें इसे बाय करके चलना था यहाँ पे बाय करना था और इसने अपना हाई बनाया है 564, 565 सिक्सटी फोर फाइव हंड्रेड के अप्रॉक्स तो इसने क्या है कांस्टेंट लेवल पे ये बढ़ रहा था तो इसमें आपको ट्रेड से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं आई होगी और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जब कांस्टेंट पड़ता है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं कॉन्टेंटली बढ़ रहा है और अपना स्टॉप लॉस है हल्का हल्का करके ट्राई कर सकते हैं तो जे में हमें ट्वेंटी प्लस पॉइंट आपको ईजीली मिल थे, 25 तो गए थे ट्वेंटी पॉइंट्स तो मिल ही गए थे सोनाटा में की बात करूँ तो सोनाटा सॉफ्ट में हमें शॉर्ट सेल करके चलना था हमें लगभग लगभग लग फाइव फोर पे यानी कि इस लेवल पे हमें इसे शॉर्ट सेल करना था यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा दो टारगेट वाइज आपको यहाँ पे इजिली अच्छे होकर मिल गए थे और उसके बाद हमारी बाई की कॉल लगी वो थी हमारी फाइव हंड्रेड फिफ्टी की फाइव हंड्रेड फिफ्टी यानी कि इस लेवल पे हमें इसे बाय करना था यहाँ पे आपने इसे बाय किया होगा सोनाटा सॉफ्ट में जब आपने यहाँ पे बाय किया होगा उसके बाद आपका जो है थोड़ा ये होल्ड लेने के बाद ये ऊपर बढ़ा और इसने आपको अच्छा खासा पॉइंट देके चले गया यानी कि फिफ्टी में बाय करना था सेवेंटी सिक्स का इसका हाई है तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट इसमें भी आपने गेन कर लिए थे इजिली हैप्पीस्ट माइंड की मैं बात करूँ हैप्पीस्ट माइंड में हमें बाय करके चलना था सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव पे 675 यानी कि इस लेवल पे हमें इसे बाय करके चलना था और इसका जो स्टॉप लॉस था हमारा वो था 666 का यानी कि यहाँ पे लेकिन जो इसका फर्स्ट टारगेट प्राइस था वो था 678 का और इसने अपना हाई बनाया था 680 का इस टाइम पे 680 का यानी कि आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया होगा फर्स्ट टारगेट प्राइस पर तो ईजिली आपका जो है इसमें फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो गया होगा आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने की जरूरत नहीं पड़ी होगी यानी कि स्टॉप लॉस में ट्रेड से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगेन यहाँ पे जब आपका लेवल ब्रेकआउट हुआ होगा तो इसने आपने दो स्टॉक यानी कि दो टारगेट प्राइस इजली अचीव कर लिए यानी कि बाई साइड के दो है। के बार है उसमें टारगेट प्राइस अचीव हुए हैं शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करूँ शॉर्ट सेल करके चला था 665 पे यानी कि जो स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे आपको एक मिनट छोड़ के ट्रेड लेनी पड़ती है ये चीज़ आपको क्लियर है कि 916 से आपको ट्रेड करना है 915 फिफ्टीन एक मिनट आपको छोड़ना है यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल करना था और इसने अपना लो बनाया है 65 से आ, आ, 650 का तो 650 यानी कि 15 पॉइंट्स इसमें भी आपने गेन कर लिए थे टोटल में बताऊं तो 20 22 25 प्लस इस, इसमें भी आपने गेन कर लिए थे यू की बात करूँ मैं यू में एक जगह पे सब जगह सब लोगों के साथ ये हुआ कि वहाँ पे इन्होंने लॉस खाया वो था ये बीच का मिडिल पॉइंट यहाँ पे ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ था पहले हमने इसको बाय करने के लिए बोला था 664 पे तो इस लेवल पे आपको बाय करने के लिए बोला था और इसने अपना हाई बनाया शुरुआत में ही लगभग लगभग सिक्स का यानी कि टेन पॉइंट्स इसने आपके गेन करके दे दिए थे दोबारा से यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट होने के कारण काफ़ी लोगों ने इसे बाय किया और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा एक टारगेट प्राइस एट दी एंड जाके इसमें अचीव हो गया था तो ओवरऑल आप रिकवर करके प्रॉफिट में ही

तो इसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट करके शेयर ज्यादा बाय करके अच्छा खासा मिनिमम थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट आपका डेली का है मैं स्क्रीन शॉट भी अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं पर देता हूं अडानी एंटरप्राइजेस कल के लिए मैंने पहला स्टॉक चुना है आप बाय करके चलेंगे एलेवन हंड्रेड सेवेंटी टू पॉइंट फाइव जीरो पर एक्जेक्ट एलेवन हंड्रेड सेवनी टू पर बाई नहीं करना है टारगेट रहेगा एवन हंड्रेड सेवेंटी एट इलेवन हंड्रेड नाइनटी और ट्वेल्व हंड्रेड का स्टॉपलस रहेगा इलेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव का शॉट सेलिंग शॉर्ट सेलिंग का आपका लेवल रहेगा इलेवन हंड्रेड फिफ्टी का यानी कि इलेवन हंड्रेड फॉर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो पर आप इसे शॉट सेल करके चलेंगे टारगेट रहेगा इलेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव इवन हंड्रेड थर्टी हंड्रेड ट्वेंटी का रहेगा आपका इलेवन हंड्रेड सिक्सटी एट का यानी कि एलेवन हंड्रेड सिक्सटी एट पॉइंट फाइव जीरो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय साइड का स्टॉप लॉस लगाएंगे इलेवन हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव जीरो पे फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होते ही आप क्या करेंगे अपना जो स्टॉप लॉस है शिफ्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होगा उतनी बार आप बाई शॉर्ट सेल कर सकते हैं प्लस स्टॉक है हमारा ए टी जी एल जिसे हमने कल के लिए आपके लिए सेलेक्ट किया है तो आप इसे बाय करके चलेंगे इलेवन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव जीरो पे यानी कि एलेवन हंड्रेड सिक्सटी का लेवल ब्रेकआउट होता ही बाय करेंगे टारगेट रहेगा एवन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री का इलेवन हंड्रेड थर्टी फाइव और इलेवन हंड्रेड फिफ्टी का लास्ट टारगेट प्राइस रहेगा आपका स्टॉप लॉस रहेगा इलेवन हंड्रेड का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा थाउजन का टारगेट रहेगा 1089, 1075 और 1060 का लास्ट टारगेट रहे प्राइस रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा आपका इलेवन हंड एंड का ये सब चीजें ध्यान रखेंगे और मेन चीज अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो तो आप वेट करेंगे इलेवन एम तक उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा और अगर वो होल्ड लेता है एग्जैक्ट बाइंग प्राइस पे या फिर शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद बाइंग प्राइस या फिर शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे वो होल्ड ले रहा है तो उसे दो या तीन मिनट का होल्ड लेना पड़ेगा मिनिमम दो मिनट का होल्ड के बाद ही आप उसे बाई शॉर्ट सेल कीजिएगा वीडियो में बस इतना ही उम्मीद आप सबको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ